स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको लेक्चर की जो है बर वक्त इतला मसूल होती रहे। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट आईकॉम के टॉपिक में भी है, कंसाइनमेंट अकाउंट बीकॉम पार्ट टू के टॉपिक में भी है। सो ये इन दोनों टॉपिक में, दोनों क्लासेस में टॉपिक मौजूद है। ये दोनों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मुतल्लिका और इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स के मुतल्लिका डिस्कशन करेंगे। गो कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास पेपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सारे से कवर होते होंगे। सो ये लेक्चर आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर में से है। टॉपिक है जी हमारा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जो है ये दो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट का नाम समझ लें कि जिसमें प्रिंसिपल अपने एजेंट को चीज़ें भिजवाता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ के ऊपर चीज़ें सेल कर लेना। तो जो एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द कंसाइनर है, हम उसको कंसाइनमेंट का नाम देते हैं कि किस तरह कंसाइनर ने अपने कंसाइनी को, किस तरह प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को चीज़ें भिजवानी है, हम उसको कंसाइनमेंट का नाम देते हैं। तो अगर हम इसका आगाज़ करना चाहें, शुरू करना चाहें तो ज़रूर शुरू करते हैं, और करते हैं जी कुछ इस तरह से। एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, टू हिज एजेंट, जिसको हम लोग कंसाइनी का नाम भी देते हैं, हु एग्री, जो मुत्तफिक होता है, टू अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव, स्टोर, अल्हम्दुलिल्लाह एंड सेल्स गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो आप कह सकते हैं कंसाइनमेंट एक एक्ट है जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को चीजें भिजवाता है, जिसको जो चीजें भिजवाए उसको हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल, उसको हम नाम देते हैं कंसाइनर का, जिसको चीजें भिजवाई जाए उसको हम लोग नाम देते हैं एजेंट का, उसको हम लोग नाम देते हैं कंसाइनी का। कंसाइनर कुछ चीज़ें कंसाइनी को भिजवाता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ के ऊपर इन चीज़ों को सेल करोगे और सेल करने के बाद मुझे तुम उनकी कीमत अदा कर दोगे। ये जो कंसाइनर है, सारा रिस्क इसका इन्वॉल्व होता है। मीन्स कि अगर रस्ते में कोई डैमेज हो गया, लॉस हो गया या कोई और इस तरह का काम हो गया तो कंसाइनर रिस्क बेयर करेगा। कंसाइनी जब चीज़ें वसूल कर लेता है तो वसूल करने के बाद कुछ चीज़ें सेल करने के बाद एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं अकाउंट सेल। अकाउंट सेल और सेल ऑन अकाउंट में फर्क है। सेल ऑन अकाउंट का मतलब है उधार, और अकाउंट सेल का मतलब यह है कि हमने जो चीजें बेची हुई थी उनकी डिटेल।
इस अकाउंट सेल की हम लोग डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी डेट शो, जो बताएगी गुड्स रिसीव्ड स्टोर एंड सोल्ड, कितनी वसूल की, कितनी रिसीव की, कितनी स्टोर की, क्या उसके ऊपर सेल किया, कमीशन एंड अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी, कि मैंने इसके ऊपर कमीशन कितनी डिडक्ट किया और मैंने इसमें से आपको कितने पैसे भिजवाए हैं। ये जो अकाउंट सेल का शेड्यूल है ये कंसाइनी बनाता है, कंसाइनी ये शेड्यूल बना के कंसाइनर की तरफ रवाना कर देता है। कंसाइनर के लिए ये शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कंसाइनर इस शेड्यूल की बेस के ऊपर तीन अकाउंट प्रिपेयर करता है, तीन अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उनमें से पहला अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, जो इस चैप्टर की बैकबोन है, जो इस चैप्टर में मोस्ट रिपीटेडली रिक्वायर्ड है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बनाता है, डेबिट और ये क्रेडिट। यहां पे आप लिख लें पर्टिकुलर, यहां पे आप लिख दें अमाउंट, पर्टिकुलर यहां पे अमाउंट। मेरे बच्चों, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में मैक्सिमम पांच चीजें आती हैं, आपके हाथ की उंगलियां पांच तो चीजें भी पांच। अच्छा जी, कौन कौन सी पांच चीजें आती हैं? पहली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, भिजवाई गई चीजों की लागत। फिर कैश फॉर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और दूसरा कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर ने जो खर्चा किया होगा, चीजें भिजवाते हुए जो खर्चा किया होगा, जो उसने चीजें भिजवाते हुए TCS ट्रांसपोर्टेशन या को गाड़ी जो करवा के दी थी उसका एक्सपेंस यहां पे लिखा जाएगा। चीजें भिजवाने की कास्ट, चीजें भिजवाने का खर्चा, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। फिर आपके पास आएगा नेम ऑफ कंसाइनी, किस किस चीज के लिए, फॉर हिज एक्सपेंस, कोई स्टोरेज है, कुछ सेलिंग है, कुछ और तरह के उसके अगर एक्सपेंस हैं, कमीशन, ये सारी की सारी चीजें यहां पे पुट की जाएंगी। सो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे तीन चीजें, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नेम ऑफ कंसाइनर, सॉरी कैश, और तीसरा नेम ऑफ कंसाइनर। पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरा कैश, तीसरा नेम ऑफ कंसाइनी। अब बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड की। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दो चीजें आती हैं, पहली चीज नेम ऑफ कंसाइनी फॉर सेल ऑफ गुड्स, जो उसने चीजें सेल की हो, जितनी भी चीजें बिकी हो वो यहां पे, और दूसरी चीज स्टॉक। तीन चीजें डेबिट होंगी, दो चीजें क्रेडिट होंगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, और नेम ऑफ कंसाइनी फॉर हिज एक्सपेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दो चीजें आएंगी, नेम ऑफ कंसाइनी और स्टॉक। अच्छा जी बच्चों, इसमें जो बात हम कर रहे थे कि कंसाइनमेंट है एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स, कंसाइनिंग को चीजें भिजवाने का, जो अकाउंट सेल प्रिपेयर करके कंसाइनर को भिजवा देता है,
कंसाइनर जो है ना वो सारी कंसाइनमेंट भला किस में लिखता है? कंसाइनमेंट आउटवर्ड शेड्यूल में, और कंसाइनी कंसाइनमेंट इनवर्ड शेड्यूल में उसको लिखता है। कंसाइनर अपने पास मैक्सिमम 3 अकाउंट बनाता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, और तीसरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा स्टूडेंट, ये तीनों अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीनों के तीनों कंसाइनर प्रिपेयर करता है। कंसाइनी सिर्फ एक अकाउंट बनाता है, कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। कंसाइनर अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो भी आप नोट फरमा लें। कंसाइनी जो कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर करता है उसमें जो मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, इसकी क्रेडिट साइड पे कैश का रेफरेंस आता है, जो चीजें सेल की हों, ये कंसाइनर का अकाउंट है कंसाइनिंग के रिकॉर्ड में। फिर उसने चीजें, उसने कुछ कैश भी लिखना होता है अगर कोई एडवांस भिजवाया हो। समटाइम ऐसा होता है, जैसा कि सर्विस शूज की दुकान है तो आप अगर आउटलेट खरीद लें तो वो कहते हैं भाई पहले एडवांस भिजवाएं फिर आपको जो है वो चीजें भिजवाएंगे। फिर इसने कैश लिखना होता है जो उसके एक्सपेंस है उनके लिए। फिर इसने कमीशन लिखना है, और फिर अगर उसने कोई सेटलमेंट की है तो बैंक, मतलब के चार चीजें आ सकती हैं, आप ऐसे समझ लें चार चीजें। सेल के लिए कैश, ये क्रेडिट होगा। एडवांस अगर कोई पे किया उसके लिए कैश डेबिट होगा। अगर कोई एक्सपेंस पे किया उसके लिए कैश, कमीशन और कोई सेटलमेंट, ये चार चीजें मैक्सिमम कंसाइनर के अकाउंट में आ सकती हैं जो कंसाइनी बनाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द टीचर जो है वो आपको पहले कहेंगे कि जी आप ये जनरल एंट्रीज याद करें। जनरल एंट्रीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। जिस बच्चे को कंसाइनमेंट अकाउंट पर ग्रिप है उस बच्चे को सारा चैप्टर आता है। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, हमारे टीचर हैं अजहर मुनीर भट्टी साहब। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं उनके उनसे पढ़ रहा था कि मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ या वो इतने अच्छे टीचर हैं। तो जब हम लोगों ने उनसे छोड़ा या जब हमारा ये वो मतलब सेशन उनसे पूरा हो गया बीकॉम का, तो तब हमें जाके अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई उन्होंने मतलब हमें इतना पोटेंशियल इंजेक्ट कर दिया। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत तंदुरुस्त वाली लंबी उम्र दे। अच्छा बच्चों, मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इस कंसाइनमेंट के हवाले से। उम्मीद है कि उससे आपके बहुत सारे पॉइंट, जिनमें से सबसे बड़ा पॉइंट कि शायद ही जनरल एंट्री करने हमें नहीं करनी नहीं हमें आती, तो वो हल करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे हम लोगों ने करना सीखनी है। ये मेरे पास एक बुक है, रेफरेंस बुक, इसमें से मैं एक कंसाइनमेंट के चैप्टर में से क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। गो के इसमें से शायद वो एंट्रीज ना हो, सारी रिक्वायर्ड की हों, जो मतलब उसने चीज़ें रिक्वायर्ड ना की हों, लेकिन आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर होता है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करने लगा हूँ।
Global company of Karachi sent 1,000 cases of homeopathic medicine to Zahid and brother of Rawalpindi at Rs. 100 per case. 1,000 case bhijwaya. Har ek 100 ka tha. Dono ko multiply kiya to 1 lakh ho gaya. Ye bhijwai gayi cheezon ki cost hai. Ye goods sent on consignment hai. Kya cheez hai ji? Goods sent on consignment. Shabash bachcho. Ab next वो कहता है expense on the consignment incurred by consignor amounting to 3,000. इस consignment को भिजवाते हुए consignor के जो expense हुए वो 3,000 है. Zahid and brothers in Rawalpindi was working as Dell credit agent. Their commission is 5% and Dell credit commission is 7.2%. अच्छा बेटा जी मैं ये जरा commission के बारे में आपको बता देता हूँ. एक होती है नॉर्मल कमीशन, एक होती है डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट कमीशन इसलिए दी जाती है ताकि हम लोग बैड डेट्स को अवॉइड कर सकें. तो ऐसी कमीशन, ऐसी सूरत में कि जिस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन मेंशन हो, अगर उसमें बैड डेट्स का पॉइंट आ जाए तो बैड डेट्स के पॉइंट को इग्नोर कर देना, बैड डेट्स का पॉइंट कंसिडर नहीं करना. एग्जैक्टली आफ्टर द सिक्स मंथ, छः महीनों के बाद अकाउंट सेल, हाँ जो आपसे अभी डिस्कस किया था कि अकाउंट सेल होती है, वाज रिसीव बाय ग्लोबल कंपनी गिविंग दी फॉलोइंग. उन्होंने ये कुछ मालूम दी. सेल प्रोसीड 750 केसेस आरएस 1,50,000. ये सेल की चीज़ें हैं, जो सेल है ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा. स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड, हमें यार पता था 1,000 चीज़ें भिजवाई हैं, 750 बिक गई हैं तो फिर 250 बाकी हैं. कमीशन चार्ज एट एग्रीड रेट ऑफ 5% एंड 7.5%, 1/7. 7.5% कंसाइनी एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1,200. ये जो कंसाइनी के एक्सपेंस हैं ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे, एक्सपेंस जितने भी हैं डेबिट हो जाएंगे. अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,00,000 वाज सेंट बाय Zahid ब्रदर अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल. 1,00,000 का बैंक ड्राफ्ट भिजवाया गया. बच्चों जो 1,00,000 का बैंक ड्राफ्ट भिजवाया गया ये कंसाइनमेंट अकाउंट में तो नहीं आएगा, ये कंसाइनी के अकाउंट में आएगा और ये कंसाइनी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हो जाएगा. You are asked to give the necessary entries in the book of consignor to record the above transaction. अच्छा एक तो ये necessary entries भी देखेंगे, दूसरा consignor की book में बनने वाले 3 account वो हमने confirm करने हैं. बच्चों पहले 3 account कर लें जी. अगर आपको account की समझ लग गई तो understood है कि आपसे transaction ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब बहुत जल्दी. अच्छा जी 3 account हमने prepare करने हैं. हमारा focus first attempt में बच्चों 3 account को complete करना है. अच्छा जी 3 अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आता है? एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी का अकाउंट. ये 3 अकाउंट बच्चों हमने प्रिपेयर करना है. ये जी हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4. ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, लेकिन चलें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आ गया तो चलो अब बच्चों आप एक्सेप्ट कर दें, आपकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है. अब अच्छा जी हमने बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी ये है. कंसाइनमेंट अकाउंट में 5 चीजें आती हैं. पहली चीज होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो डेबिट होगी, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर जो डेबिट होगा, और नेम ऑफ कंसाइनी जो डेबिट होंगे. क्रेडिट साइड पे 2 चीजें आएंगी, सेल उसके लिए नेम ऑफ कंसाइनी, पर्टिकुलर यहां पे अमाउंट, पर्टिकुलर यहां पे अमाउंट, और ये हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट. फिर जी हमने यहां पे एक कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है. और एक हम लोगों ने जी यहां पे अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अच्छा जी बच्चों, इसका ज़रा मेकअप आपने खुद ही कर लेना है, आप मुझसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं जी। अच्छा जी, हमने पांच चीज़ें पूरी करनी है। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा रीड करते जाते हैं और डेटा पुट करते जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया था, ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंट 1000 केसेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू जाहद एंड ब्रदर ऑफ रावलपिंडी ऑफ आरएस 100 पर केस। यहां पे आपने लिख देना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 केस ऑफ आरएस 100 ईच। मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख की, 1 लाख। फिर एक्सपेंस ऑन द कंसाइनमेंट इंकर्ड बाय कंसाइनर अमाउंटिंग टू 3000। कंसाइनर ने 3000 का खर्चा किया। कंसाइनर के एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। किसके हवाले से? कैश के हवाले से। फिर उसने कहा, जाहद एंड ब्रदर इन रावलपिंडी वर वर्किंग एज डेल क्रेडिट एजेंट, देयर कमीशन इज 5%, डेल क्रेडिट 7.5%। एग्जैक्टली आफ्टर द 6 मंथ अकाउंट सेल गिविंग शो एज फॉलो, सेल ऑफ 750 केसेज ऑफ आर एस 1,50,000। ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1,50,000। किसने चीज़ें सेल की? कंसाइनी ने। वो नाम लिख दें यहाँ पे, नेम ऑफ कंसाइनी क्या है जी? वो है जाहिद ब्रदर्स, जाहिद एंड ब्रदर्स। फिर उसने लिखा जी स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक जरा रुक जाते हैं अभी। फिर है जी कमीशन 5% एंड 7.5%। अच्छा जी, इस जाहिद ब्रदर्स को कमीशन देनी है जी, जाहिद एंड ब्रोस 1,50,000 का 12.5%। 7.5% एक था, 5% इसमें प्लस किया तो 12.5%, 1,50,000 का 12.5%, 1,875,000। हमेशा कमीशन की परसेंटेज सेल के ऊपर लेना है, ये आपने याद रखना है। कमीशन की परसेंटेज हमेशा सेल वैल्यू पे लेना है। फिर बच्चों उसने लिखा कंसाइनीज एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1200। एक्सपेंस जितने भी हैं कंसाइनमेंट में डेबिट होते हैं, अगर कंसाइनर के हों कैश के रेफरेंस से, कंसाइनी के हों तो कंसाइनी के नाम के रेफरेंस से। अ बैंक ड्राफ्ट आर एस 1 लाख वॉज सेंट बाई जाहिद ब्रदर्स अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। जाहिद ब्रदर्स ने भिजवाया, किसको भिजवाया? कंसाइनर को। क्या भिजवाया? बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक। तो जब उन्होंने बैंक वसूल किया तो उन्होंने लिखा होगा बैंक का अकाउंट डेबिट, यस। किससे जी? किससे वसूल किया? जाहिद से। तो जाहिद एंड ब्रदर्स का अकाउंट क्रेडिट। अब हम अकाउंट बना रहे हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनी, कंसाइनी का नाम भी तो यही है, जाहिद एंड ब्रदर्स। अब आपने क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। किसको? जाहिद एंड ब्रदर्स को। जाहिद एंड ब्रदर्स क्रेडिट। किसकी वजह से? बैंक की वजह से, जो उन्होंने एडवांस वसूल किया था। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट देखें। यू आर आस्क्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। हमें नेसेसरी एंट्रीज अभी नहीं कर रहे, हम 3 अकाउंट दुरुस्त करना चाह रहे थे। अच्छा जी बच्चों, अब बात यह है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों में से जो हमने वहां से रीड किया उसमें से एक चीज कैलकुलेट नहीं की, और वो है स्टॉक। ये स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टॉक में 3 चीज़ें आएंगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो कि 1 लाख की हैं, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर जो कि हमेशा कैश के रेफरेंस से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी वो इस क्वेश्चन में नहीं है। रुकते हैं जरा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी वो है कि जो कंसाइनी अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंस अपने पास चीज़ें मंगवाते हुए अखराजात करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसाइनी अपने पास स्टोरेज एक्सपेंस पे करता है, ये डायरेक्ट नहीं है। कंसाइनी अनलोडिंग पे करता है, डायरेक्ट है। कंसाइनी फ्रेट पे करता है, डायरेक्ट है। कंसाइनी कस्टम ड्यूटी पे करता है, डायरेक्ट है।
कंसाइनी हर वो एक्सपेंस जो उसको कंसाइनर से अपने स्टोर रूम तक चीज़ें लाते हुए दे वो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे कंसाइनिंग का एक्सपेंस तो मेंशन है 1200, लेकिन ये नहीं मेंशन कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया। अच्छा जी, ये अमाउंट आ गई 103,000। बच्चों इसका आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2500 डिवाइडेड बाई 1000। ये कैसे आया? टोटल कंसाइनमेंट के यूनिट हैं 1000, इसमें से बिक कितने गए 750, बाकी कितने रह गए 250। इसलिए 103,000 ज़रब 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो अमाउंट आ जाएगी 25750 प्लस 150,000 175750 माइनस 1 लाख माइनस 3000 माइनस 18750 माइनस 1200 डिफरेंस लें तो बच्चों 52800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें। अब बात है कंसाइनी के अकाउंट की। बच्चों इसको ज़रा लेजर को तो आप जानते हैं ना, इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट, जो इसके अंदर रेफरेंस है वो ओल्ड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट ज़ाहद क्रेडिट, कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब क्या करना है जी, ज़ाहद का अकाउंट बनाना है। जहाँ जहाँ पे ज़ाहद है वो देखते जाए, ये भी ज़ाहद 1, 2 और ज़ाहद 3, कंसाइनमेंट डेबिट तो ज़ाहद क्रेडिट 18750 से, कंसाइनमेंट डेबिट तो ज़ाहद क्रेडिट 1200 से। ये अमाउंट कहाँ से आपने वसूल की? कंसाइनमेंट में से, कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट जी क्रेडिट, और ज़ाहद डेबिट 1,50,000। कहाँ से आया? कंसाइनमेंट से रेफरेंस आया 1,50,000। जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 में से 1,00,000 माइनस 18750 माइनस 1200 तो 30050, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बात है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट जी 1,00,000। कहाँ से आया? कंसाइनमेंट में से, यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे भी 1,00,000। इस सारे को आपने क्लोज कर देना है हमेशा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हमेशा और हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज किया जाएगा जितना भी बैलेंस आएगा। अच्छा ये तो हो गया बेटा जी आपके पास 3 लेजर। अब बात है जनरल एंट्री। मैंने कहा था कि जिनको ये वाले 3 अकाउंट आ जाएंगे उनके लिए जनरल एंट्री मुश्किल नहीं होगी। जनरल एंट्री को देखते हैं जी, जनरल एंट्री कैसे होगी। जनरल एंट्री बच्चों इंतहाई आसान है, आप यहाँ से चीज़ें देखते जाएं और उसको एंट्रीज के तौर पर प्लेस करते जाएं। ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंट 1000 केसेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन रावलपिंडी एट 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000। ये कहाँ पे लिखा है हमने? ये लिखा है, कैसे लिखा है? कंसाइनमेंट डेबिट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, तो आप भी लिख दें कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 1,00,000 की। नेक्स्ट जी, एक्सपेंस ऑन द कंसाइनमेंट इंकर्ड बाय कंसाइनर अमाउंटिंग टू 3000। ये कहां पे लिखा है? ये लिखा है सर, कैसे लिखा है? कंसाइनमेंट डेबिट कैश का अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट कैश का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी नेक्स्ट, ज़ाहिद एंड ब्रदर इन रावलपिंडी वर वर्किंग एज अ डेल क्रेडिट एजेंट, देयर कमीशन इज 5% एंड 7.5%। कमीशन कहाँ पे लिखी है हमने? ये लिखी है, कैसे लिखी है? कंसाइनमेंट डेबिट ज़ाहिद क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट ज़ाहिद क्रेडिट।
वैसे ज़्यादा मोतबर ये है कि पहले आप सेल की एंट्री कर लें फिर कमीशन की करें। चलें जी सेल की तरफ जाते हैं। सेल ऑफ 750 150,000, ये कहाँ पे लिखी है? ये यहाँ पे लिखी है, कंसाइनमेंट क्रेडिट जाहद का ब्रदर डेबिट, जाहद ब्रोज का अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड, ये कहाँ पे लिखा है जी? ये यहाँ पे लिखा है, कंसाइनमेंट क्रेडिट स्टॉक डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट स्टॉक का अकाउंट डेबिट, कमीशन चार्ज एट एग्रीड रेट, ये तो होगी एंट्री, कंसाइनमी एक्सपेंस 1200, ये कहाँ पे लिखे हैं? ये यहाँ पे लिखे हैं, कंसाइनमेंट डेबिट ज़ाहद क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट ज़ाहद का अकाउंट क्रेडिट। अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1 lakh वाज सेंट बाय ज़ाहद ब्रदर, ज़ाहद ब्रदर ने हमें सेंड किया तो हमारे बैंक में इजाफा, बैंक का अकाउंट डेबिट ज़ाहद का अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं लेकिन दो रहती हैं, ये 1 lakh हो गया, 3000 हो गया, 18750 हो गया, 1200 ये हो गया, 150 ये हो गया, 2750 ये हो गया। अब दो एंट्री, पहली क्लोजिंग की कंसाइनमेंट डेबिट, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज करना है आपने, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, यही अमाउंट से पहली एंट्री में से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज कर रहा है, प्रॉफिट की एंट्री नहीं की, कंसाइनमेंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ले बच्चों ऐसा करने से आप तमाम ट्रांजैक्शन पुट कर चुके हैं, 150,000 हो गई है, 1 lakh हो गई है, 18750 कमीशन हो गई है, 1200 हो चुका है, बैलेंस जो है उसकी एंट्री नहीं होती, बैलेंस की जनरल एंट्री कोई नहीं है सर। यहाँ पे कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट कंसाइनमेंट डेबिट ये हो चुकी है, ये पहली एंट्री, और दूसरी सर जी ये क्लोजिंग एंट्री हमने की यहाँ पे। ले बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं जानता हूँ वो बच्चे जो मोटिवेटेड हैं, जो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह अच्छे फ्रूटफुल और प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। ये एमकॉम के सिलेबस में भी है, ये बीकॉम के सिलेबस में भी है, और ये आईकॉम के सिलेबस में भी है, और ये उसकी 90% रिक्वायरमेंट है। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग कंसाइनी के अकाउंट में बनने वाले अकाउंट्स और उसके अकाउंट में आने वाली ट्रांजैक्शन को देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।